अभियंतानंदम सिद्धानंदमाय ज्ञानम नमो वज्जायानम नमोनि सर्वसापुनम एषु पंच नमकारो सर्व पाप प्रणाशनो मंगलानं च सर्वेषिं परमं हवै मंगलम् जय जगदीव जोनि वेयानो जगगुरु जगानंदो जगनामो जगवंतो जय जगत्यामो वयम् जय सुयान प्रभवो तीर्थयराणं पश्चिमो जय जय गुरुलोकानं जय महप्पा महावीरं सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोहितं पार्श्वनाथं नमाम्यहं सर्वानिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्म स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरांगानां ज्ञानांजनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गणधरवाद की इस 96वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पूर्व कक्षा में हमने देखा कि आठ वर्गणाओं पर हमारी चर्चा चल रही है और आठ वर्गणाओं के संबंध में हमने ये चीज देख ली थी कि आत्मा वर्गणा को नहीं बनाती, आत्मा बनी हुई वर्गणा को ग्रहण करके उसमें से अपना कार्य निर्माण करती है। साथ में ये चीज देखी कि भाई वर्गणाओं को नाम किस प्रकार से दिया जाता है, तो ये चीज देखी हमने आत्मा वर्गणाओं को ग्रहण करके जिस कार्य रूप उनको परिणमित करती है उसी रूप वर्गणाओं को नाम दिया जाता है। और ऐसा नहीं होता कि एक वर्गणा का कार्य दूसरी वर्गणा करती है, सभी अपने सभी जो वर्गणा है वो अपना अपना कार्य सुनिश्चित करती है। इस आधार पर हमने पूर्व कक्षा को जाना था, अब आगे की कक्षा के लिए हमारा साहब से निवेदन। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज हम इस प्रकार से जो है थोड़ा सा विचार विमर्श कर रहे हैं, ये है शरीर है और इस शरीर के अंदर समझ रहे होंगे कि एक तो है आत्मा अंदर, ये है बाहर शरीर, इधर है वचन योग, इंद्रियां है और मन है। ऐसा प्रश्न ये उपस्थित हो रहा है कि आखिर वेदना जो है वो कौन अनुभव कर रहा है। आप दो तीन शब्दों को जरा समझेंगे, एक शब्द जो है वेदन, अब दूसरा शब्द है संवेदन, मैंने अलग अलग पांच शब्द लिखे हैं साहब। अब इनका शब्दार्थ जो है किसको ज्यादा अच्छा स्पष्ट हो सकता है, मेहता जी बोलिए। पहले ऐसे ऐसे मत करिए, ऐसे ऐसे नहीं करना है, बोलिए साहब। नवीन भाई शब्द तो ध्यान में आ गए, सब शब्द एक बार जो है अच्छी तरह से पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। और सब परिचित शब्द है, सबके रोज के शब्द हैं। वेदन है, संवेदन है, वेदना है,
संवेदना है और वेद है, ठीक है। अब वेद है और ये है, वेद मोहनीय कर्म है। बोलिए साहब, ख्याल आएगा? हाँ, जिस किसी को भी ख्याल आता हो तो आप हाथ ऊपर कर सकते हो बोलने के लिए। जैसे सर, बोलो नवीन भाई। सुख दुख की जो वेदना हम करते हैं उसको वेदन कहते हैं। संवेदन उपयोग पूर्वक जब आत्मा करता है तो उसको संवेदन कहते हैं। वेदना जब दुख की अनुभूति होते है तो वेदना कहते हैं उसको। संवेदना उसी तरह से, संवेदना का अर्थ रियली मालूम नहीं है। वेद का अर्थ है जो सेक्सुअल अनुभूति होती है उसको वेद में लेते हैं। और वेद मोहनी कर्म जो है, दैट इज ऑल्सो मिक्स अप। नो सॉरी अबाउट दैट। बोलो, बोलना है तो बोलना, नहीं तो ना कहना। चलो दीपिका बेन शाह, मालूम है तो बोलिए। क्या हो गया मेहता जी, क्यों चुप बैठे हो? वंदामी साहेब जी, वेदन, वेदन એટલે આત્મા જે અનુભવ કરે છે એને વેદન, વેદન એને ફીલ થાય છે આત્માને, સંવેદન એને, એના એ આત્માને એના તો એના જે ફીલ થાય એટલે એને 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 સંવેદન થાય છે, શરીરને પણ એ સંવેદન થાય છે। વેદના એટલે દુઃખ, જે દુઃખ આવે છે શરીરને, પીડા આવે છે, વેદના કહેવાય શરીરને। શું કહેવાય શરીરને? શબ્દ કેમ આપે? આત્મા, આત્માના એટલે કાયા પર, કાયામાં કઈ થાય એટલે આત્માને એનાથી દુઃખ, દુઃખ ઉપજે છે। અને વેદ એટલે જ્ઞાન કહેવાય। થઈ રહ્યું છે કે શરીર કે આત્મા કે કોને થાય છે, વેદના કોને થાય છે? આત્માને થાય છે સાહેબજી। મહેતાજી ક્યાં બોલના હે? વેદન ઓર સંવેદન સભી આત્મા કોઈ હોતે હૈ। अरे थोड़ा सा शब्दों के अंदर आपको ये ध्यान रखना है, आज का हमारा कंसेप्ट जो है वो है वेदना जिसको हो रही है वह कौन है, वो है कौन? क्या इंद्रियों को वेदन संवेदन हो रहा है? ये हमारी इंद्रियां हैं। क्या वचन योग को कुछ हो रहा है? क्या शरीर को हो रहा है, मन को हो रहा है, या अंदर आत्मा को हो रहा है? वेदना द प्रॉपर वर्ड मीनिंग एंड व्हाट द प्रैक्टिकल इज, पहले उसको भी हमें क्लियर करना है कि क्या प्रैक्टिकली मतलब क्या हो रहा है ये देखना है। तो पहले ये देखिए, वेद शब्द तो सीधा है, ये ज्ञानार्थक है। आप वेद जो है वो ज्ञानवाची शब्द है और वेदन जो है ज्ञान होना, ज्ञान होने की प्रोसेस जो प्रक्रिया है वेदन। अब रही बात संवेदन जो है, ख्याल आया कि नहीं? जिसके अंदर सम्यक पूर्वक सत्य को सही ढंग से वेदन करना, ये है संवेदन है। आप यू कैन से थोड़ा सा उसको सेंसेशन भी कह सकते हो कि हाँ संवेदना हो रही है। तो ये संवेदना जो है वो संवेदन से थोड़ा सा आगे बढ़कर सेंसेशन के रूप में बनाया। ध्यान दीजिए, सेंसेशन मन को होता है कि आत्मा को होता है? यहाँ पर प्रक्रिया जो है, क्यों क्यों हो रहा है आत्मा को, तो मुख्य बात ही यहाँ पर ये है कि आत्मा ही ज्ञानमय है। आत्मा ही ज्ञानमय है और ज्ञान आत्मा को ही हो रहा है। ख्याल है, ज्ञान आत्मा का ही है। हम बाहर से हो रहा है शब्द क्यों बोलते हैं? कि
कि वो ज्ञानावरणीय कर्म से थोड़ा आच्छादित हो जाता है, इसलिए हमको जो है बाहर से वापिस ज्ञान लाना पड़ रहा है, और कोई बात नहीं। अब रही बात क्या है, ये शब्द जो है वेदना, अब वेदना जो है वो भी क्या है, तो वेदना शब्द भी जो है तो ज्ञानात्मक ही है, लेकिन कैसा ज्ञान है उसमें, कैसा ज्ञानात्मक है स्वरूप, तो जो जिसको हम कहते हैं एक्सपीरियंसल जो है, अनुभवात्मक हो रहा है। मैं ये पूछूं कि अनुभव क्या है, बोलिए जैन साहब, अनुभव जिसको हम कहते हैं तो वो भी क्या चीज है अनुभव, अनुभव बोलिए, अनुभूति बोलिए, स्वानुभव बोलिए, स्वानुभूति बोलिए, यहाँ पर जो है सेल्फ एक्सपीरियंस जो है वो अपने आत्मा को ही है कि मुझे स्वानुभूति हो रही। अब अनुभूति शब्द का जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो भी किसको हो रहा है, आत्मा को हो रहा है, क्यों कि ज्ञान दर्शनात्मक चेतना जो है वो सिर्फ आत्मा की है साथ, और दूसरे किसी की है नहीं। तो ये जो है आपको ये देखना है कि ये जो है ज्ञान, ये दर्शन, अब ये दोनों मिल करके यहाँ पर जो है इन्होंने ऐसी एक चेतना बनाई है, और ऐसी चेतना वाली जो है वो चेतन आत्मा है। तो ये सारी प्रक्रिया जो है, अब ये आपको ख्याल आ गया, तो वेदन भी क्या है, संवेदन भी क्या है, वेदना जो जिसको हम बोले हैं तो ज्ञानात्मक, लेकिन किस प्रकार का ज्ञान, कैसा ज्ञान, किस प्रकार का ज्ञान, वो अर्थ जब आप ध्यान में लेंगे तो आपको बरोबर ख्याल आ जाएगा, समझेंगे। तो यहाँ पर ये जो ये भी दिया है, अब लास्ट शब्द वेद मोहनीय कर्म, ये भी ज्ञानात्मक है, लेकिन आगे मोहनीय कर्म तो वो कौन सा है, विषय वासना का ज्ञान, विषय वासना की प्रकृति अनुभूति, सेक्सुअल डिजायर जो है, काम वासना जो है वो भी किसको है ना? तो इसका भी हम विचार करेंगे, लेकिन ये सारी प्रक्रिया प्रोसेस के अंदर अब हम इसमें से मुख्य रूप से एक शब्द पर आ रहे हैं। हाँ जी, ये हो गया संवेदन हो गया, अब संवेदना जो है वो सुखद दुखद दोनों जो भी होती है, अगर आप संवेदना जो है वो अगर लेते हो तो ये संवेदना क्या है, ये संवेदना सुखद है, ये संवेदना दुखद है, जिसमें सुख का संवेदन हो रहा है वो संवेदना, जिसमें दुख का हो रहा है वो दुखद संवेदना। आप जिसको अपनी भाषा में अच्छी खराब जिसको बोलना है जैसे, लेकिन सुखानुभूति वाली संवेदना, दुखानुभूति वाली संवेदना, अब वो ज्ञानात्मक ही है। लेकिन ये दोनों से अब आप थोड़े से आगे निकलिए, अब प्रॉपर इस शब्द का अर्थ करना है वेदना। अब यहाँ वेदना शब्द क्या है, अगर आप इसको पीड़ा बोलते हैं, आप इसको दर्द बोलते हैं, क्या है, तो ये पीड़ा जो है, ये दर्द जो है, या इसको आप तकलीफ बोलते हो, कि ये शब्द तो उर्दू भाषा का बात से है, तो ये जो है होता किस, वेदना किसको हो रही है, ये निर्णय करना बहुत जरूरी है। देखिए इंद्रभूति तो साफ कह रहे भी वो तो आत्मा को नहीं मान रहे, अब तीसरे उनके भाई जो है वायुभूति वो साफ कह रहे भी मैं तो शरीर को ही आत्मा मान रहा हूं, तो अब उनको ये प्रश्न पूछना है कि वेदना किसको हो रही है। अब शरीर तो दोनों पर्याय में है, दोनों अवस्था में है, जीवित अवस्था में भी शरीर है,
मृत अवस्था में भी शरीर है, जीवित अवस्था में मतलब क्या हुआ, जब उसके अंदर चेतना है, आत्मा है, तब आप उसको जीवित अवस्था, और जब आत्मा शरीर छोड़कर के निकल गई, अब उसको मृत शरीर आप कहेंगे। तो मृत शरीर मतलब क्या हुआ, तो जीवित अवस्था में वेदना होगी या मृत शरीर को वेदना होगी। अगर मृत शरीर को वेदना होती हो तो इस समय हमारा भी तो वर्तमान में शरीर है, तो वेदना की अनुभूति किसको हो रही है ये हमें देखना है। ख्याल आया आपको, शरीर को होती है क्या? अगर आप शरीर को वेदना होती है ऐसा मानो, मॉडर्न साइंस तो आज यही मान रहा है, विज्ञान ने भी आज यही माना है। अब विज्ञान ने शरीर को माना है या नहीं माना है साहब नीति बैंक, डू यू नो इट वेरी वेल और नॉट? What is the concept of the science, modern science, what it says? Science just believes that there is only body and only body experiences pain and joy. Science की बात भी अगर आप करते हैं तो भी आपको ख्याल आ जाएगा कि what the medical science says that. हाँ जी, ध्यान रखिए, मॉडर्न साइंस ने भी ये कहा है कि नॉट द फिजिकल, ध्यान रखिए, ध्यान से सब दे, बट द इंटरनल नर्व सिस्टम, द न्यूरॉन्स, विच न्यूरॉन्स पासेस द नॉलेज। शरीर के अंदर जो है, पूरा शरीर शरीर मत समझिए, शरीर के अंदर जो न्यूरॉन्स को पास करती है, जिसको मेडिकल साइंस में चेता नाड़ी कहते हैं, वो चेतना नाड़ी, चेता शब्द बनाया है, मतलब ज्ञान तंतु की वाहक नाड़ी जो है वो है चेता नाड़ी। अब उसका सीधा कांटेक्ट जो है ब्रेन में है, तो उन्होंने ऐसे पेन किलर्स बनाए कि विच इज नॉट फंक्शनिंग इन योर नीज बट इट डायरेक्ट गोज टू द ब्रेन, so it produces a particular type of chemical, so that chemical affect your jnana tantu, cheta nadi, so you will not feel that there is the pain in the knee for how much, how long time, for the 4 hours or 8 hours, up to that chemical effect in your brain on the nervous system, neurons are already covered by that, so उसके कारण क्या होता है कि you will not feel the pain, but there are the pain, there is the pain in the knee and any other body you see, but you are not getting the proper knowledge. वेदन, अब उससे क्या किया उन्होंने, वेदना से वेदन की ऐसी प्रक्रिया बना दी कि आपको कुछ भी feel नहीं होगा, और ऐसे करके उन्होंने ऐसे केमिकल का स्प्रे किया, जाइलोकिन है, ख्याल है कि नहीं, क्लोरोफॉर्म है, जनरल एनेस्थीसिया है, लोकल एनेस्थीसिया है, व्हाट इज दैट, वो एनेस्थीसिया के केमिकल्स आपकी बॉडी में नहीं लेकिन चेता नाड़ी तंत्र न्यूरॉन्स पर जाकर के स्प्रे कर देते हैं, वो केमिकल एक कवर कर देता है, यू विल नॉट गेट दैट प्रॉपर नॉलेज ऑफ द पेन। इतनी देर में, 2 घंटे में वो ऑपरेशन कर लेंगे, 4 घंटे में करना है तो थोड़ा रिपीट करेंगे, लेकिन वो ज्ञान तंतुओं पर उनको वो केमिकल स्प्रे होना जरूरी होता है, ऐसा ध्यान रखिए। तो क्या हुआ, विच इज द सेंसिटिव पार्ट ऑफ योर बॉडी, विच वन इज मोर सेंसेशन, तो यहाँ पर आत्मा के अंदर जो सेंसेशन की अनुभूति कराने वाला फिजिकल बॉडी में है वो है आपके ज्ञानवाहक तंतु, ज्ञान तंतु जो है वो। महावीर क्या कह रहे हैं इधर,
महावीर से दैट ये सब बात शरीर जो है अंदर आत्मा है ना, तो आत्मा ही ज्ञानमय है। अब आत्मा के ज्ञान ज्ञान के साथ में क्योंकि बॉडी में स्प्रेड है, होल बॉडी पूरे शरीर के अंदर इट इज ऑलरेडी स्प्रेड एवरीवेयर इन द बॉडी, ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, everywhere there is the soul, so you are getting the sensation from each and every organ, from each and every part. Ab do hi ang bache hain sir, dhyan rakhiye, either the nails which is increasing and the hairs which is increasing, they are not getting the sensation because the extra nail which is increasing, they are not connected with the blood supply. Extra hair which is growing, which is coming out, you see, that is not connected with your brain blood supply. So that time the conscious matter cannot reach up to that. जहाँ तक आपके शरीर में blood supply जिस किसी organ को जिस किसी को जहाँ भी जितने प्रमाण में होगी, you will get the proper knowledge from that organ. तो ज्ञानवाहक तंतुओं का शरीर के अंदर नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है सर्वत्र एवरीवेयर। हम चलते हैं तो पैरों के तलिए के नीचे अगर कुछ भी आ गया तो यू आर गेटिंग द प्रॉपर सेंसेशन। अब फिजिकली क्या होता है कि स्पर्श इंद्रिय तो पूरे शरीर पर लगी हुई है, तो स्पर्श इंद्रिय आपको बरोबर स्पर्श का ज्ञान पहुंचाएगी। रसनेन्द्रिय जीभ में है तो सिर्फ वहीं से उतना ही ज्ञान आपको होगा। ग्राणेन्द्रिय नाक के किनारे नाक में है तो वहीं से आपको ज्ञान होगा। ध्यान दीजिए, इसलिए हमने क्या कहा है, पांचों इंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया है, पांचों इंद्रिया ज्ञान वाहक ज्ञानेन्द्रिया है, दर्शनेन्द्रिया है। लेकिन अब मैं पूछता हूं, ध्यान से समझिए, क्या वेदना इंद्रियों से हो रही है? आप मेरा पॉइंट समझने की कोशिश करिए, क्या वेदना इंद्रियों से हो रही है? आप इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करेंगे और कौन सा ज्ञान करेंगे? वर्ण गंध रस स्पर्श ध्वनि का, क्योंकि पांचों इंद्रियों के लिमिटेशंस है। पांचों इंद्रियां पुद्गल की बनी हुई पिंड है और पुद्गल के गुणधर्म में ही वर्ण गंध रस स्पर्श है, इसलिए पुद्गल उसी को ग्रहण करते हैं। इंद्रियां भी पुद्गल के ही वर्ण गंध रस स्पर्श को ही ग्रहण करेगी। अब मेरी बात ध्यान रखना, वेदना वर्ण गंध रस स्पर्श वाली है क्या? माता जी ध्यान दीजिए, क्या हो गया आज आपको, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है आपका क्या? माता जी थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन रखिए। तब मैं कोई बात कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूं, मैं तो है कॉम्प्लिकेशन उसको इजी करके क्लियर कर रहा हूं। हाँ बोलिए राहुल। वेदना इंद्रियों से नहीं जानी जाएगी। हाँ जी, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि वेदन और वेदना, संवेदन संवेदना, वेदना पांचों ज्ञानेंद्रियों का विषय नहीं है। वेदना जो है ये पूरे अनुभूति का विषय किसको है? क्या वेदना स्पर्शेंद्रिय को हो रही है? क्या वेदना रसनेन्द्रिय को हो रही है? जी नहीं, रसनेन्द्रिय जीव है, वो मुंह में बैठी है, उसको कुछ नहीं हो रहा है। क्या वेदना ग्राणेन्द्रिय को हो रही है? ग्राणेन्द्रिय में तो नासिका के अंदर सुगंध दुर्गंध को ग्रहण करने की क्षमता है, और क्या है? क्या वेदना आंखों को हो रही है? जी नहीं, आंखों का विषय खाली कलर को देखना है। क्या वेदना कान को हो रही है? जी नहीं, वेदना ध्वनि प्रधान नहीं है, ध्वनि रूप नहीं है साहब। अरे ये बात समझ में, तो वेदना का विषय इंद्रियातीत है, इंद्रियों का नहीं है। वेदन इंद्रियों का हो सकता है,
संवेदन इंद्रियों का हो सकता है, वेद इंद्रियों का हो सकता है, जो ज्ञान आपको इंद्रियों से होगा उसका होगा समझे के लिए, लेकिन वेदना इंद्रिय जन्य नहीं है। मुझे हार्ट में पेन हो रहा है, मुझे किडनी स्टोन में पेन हो रहा है, मुझे ब्लैडर के स्टोन में पेन हो रहा है, मुझे यूरिन पास करते हुए पेन हो रहा है, या मुझे स्टमक में पेन हो रहा है, तो स्टमक में कौन सी इंद्रिय है? हार्ट में आपकी कौन सी इंद्रिय है? किडनी में आपकी कौन सी इंद्रिय है? आप ध्यान दीजिए, इंद्रिय हमारी सिर्फ इतनी पांच ही तो इंद्रिय है। अब पांच इंद्रियों में ये स्पर्श इंद्रिय पूरे बॉडी पर है स्किन के रूप में। किडनी आपके स्किन से टच नहीं है, हार्ट आपके स्किन से टच नहीं है, हार्ट किडनी लीवर स्टमक कोई भी आपके किसी इंद्रिय से टच नहीं है सर, लेकिन यू आर फीलिंग द पेन इन ऑल द ऑर्गन्स। आपको पेट में भी दर्द होता है, वेदना अनुभव हो रही है, आपको किडनी में पेन हो रहा है, आपको ब्लैडर में जो है थोड़ा सा स्टोन अगर खिसकने लग जाए तो सीवियर पेन होता है। तो ये कौन अनुभव कर रहा है? तो ये इंद्रियों का विषय नहीं है, तो किसका विषय है? अब आपको ये समझना है, तो वेदना ये है क्या, प्रैक्टिकल स्वरूप ये समझना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मीना बेन जी एंड बीना बेन बोथ आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? आप पहले अपनी तरफ से ये समझिए कि कंसेप्ट क्या चल रहा है, वो कोशिश करिए था। अब मैं ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेहता जी आपको ख्याल है, बोलिए। तो ये तो आपके मन भी नहीं है साथ, ध्यान रखना। ऐसा मन है क्या वेदना का अनुभव करने वाला? नहीं बोलना है आपको? जय जी, वेदना का अनुभव करने वाला कोई मन नहीं है। क्यों नहीं है मन? मन जड़ है। मुझे विश्वास आया कि आपका कॉन्सेंट्रेशन। मन जड़ है, मनोवर्गना के पुद्गल परमाणु का। मन में ज्ञान नहीं है, मन में सेंसेशन नहीं है। शरीर जड़ है, औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु का बना हुआ पिंड है। शरीर में वेदना संवेदना नहीं है। इंद्रियां पांचों जड़ है, ध्यान रखिए। पांचों इंद्रियां जड़ क्यों है? शरीर का अंग है। जब शरीर जड़ है तो शरीर की पांचों इंद्रियां जड़ है सा। हाँ, ये जरूर है कि आत्मा प्रदेश वहां पर जिस तरह से कनेक्टेड है उसके कारण पांचों इंद्रियों से आपको ज्ञान दर्शन हो जाएगा। बस बात इतनी सी है। अब ये है वचन योग, वो तो आपको कोई वैसे भी भाषा वर्गना के पुद्गल परमाणु से बदती हुई भाषा का जड़ है, वचन है, उसमें भी नहीं हो रहा है वेदन संवेदन। हाँ जी, अब आपको ये बताना है क्या है वेदना, बोलिए नीति बहन जी, डू यू कैन एक्सप्लेन और नॉट? जी मैम सर, वेदना इज पेन एंड वेदन इज जस्ट न्यूट्रल, इट इज ओनली सेंसेशन। वेदना बोलिए साहब, किसको मालूम है तो आप बोलिए साहब, आप बोलो। चंद्रेश भाई प्रॉपर आंसर नहीं आप ही सको। वेदना आत्मा नो अनुभव था जी। चलिए साहब, क्या है वेदना, व्हाट टाइप ऑफ दैट, किसी को? चलिए चलिए, अब ये विषय नहीं है आपका। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं यहां पर, हाँ जी, अब आपको ये देखना है कि इस तरह से बोलिए माता जी, मैंने ये क्या बनाया है?
क्या हो गया, इतनी देर क्यों लगती है? आत्म प्रदेश साहिब जी, आप इतनी देर क्यों लगाते साहिब जी? वहां से खुलता है, यहां से नहीं खुलता, उनकी तरफ से खुलता है। यहां पर आपको क्या देखना है? अब ये आत्मा प्रदेश है। चलिए पहले ये बोलना है राहुल जी कि आत्मा प्रदेशों की रचना कैसी है। एक एक प्रदेश में अनंत गुण है। गुण मैंने नहीं पूछा है आपको। चलिए साहब इधर देखिए, आत्मा प्रदेश जो है एक तो संख्या में असंख्य है और सभी अखंड है, एक दूसरे से बरोबर कनेक्टेड है और ये पिंडी भाव है। असंख्य प्रदेशों का समूहात्मक एक अखंड पिंड आत्मा है। पहले ये शब्द आपको बोलने हैं सर। हंसा बेन बोलो। चलिए सर, असंख्य प्रदेश समूह आत्मक पिंड स्वरूप। अब आपने एक शब्द छोड़ दिया ना, ये तकलीफ हो गई। एक शब्द जो है वही तो इम्पोर्टेंट, क्यों छोड़ा आपने? बोलिए बाठिया जी, कौन सा शब्द छोड़ा इन्होंने? चलिए साहब, दीपिका बहन ख्याल है आपको? हाँ बोलो, जल्दी करो। असंख्य समूहात्मक प्रदेश पिन जोड़ायला छे ए प्रदेश एक बीजा से कनेक्टेड है। वो नहीं पकड़ने, अखंड शब्द पकड़िए। अखंड अखंड छे साहब। पहली बात क्या हो गई, ये आत्म प्रदेशों का, असंख्य आत्म प्रदेशों का जो समूह है वो अखंड है। अब ये अखंड गुजराती भाषा में जिन्हें अखबंद कहिए, अबे एमा बीजो कोई पण अंदर प्रवेशी सके खरा? ना प्रवेशी सके। चलो मैंने क्या बोला है मेहता जी, बोलिए था, थोड़ा ध्यान दो पहले। क्यों कोई दूसरी वस्तु पदार्थ अन्य पदार्थ इसके अंदर क्यों प्रवेश नहीं कर सकता है? अगर कोई और पदार्थ वस्तु इसमें प्रवेश कर ले तो वो उसकी अखंडता नहीं रहेगी। अखंड होने के कारण ये जो असंख्य प्रदेशों की अखंडता और ये पिंडी भाव है, ये मेरा कपड़ा है, इधर आप ये देखिए, अब ये जो कपड़ा है और ये इसका पिंडी भाव के किनारे है। अब यहाँ से आप बोलो कि इसमें से कोई और दूसरी चीज जाए तो जितना डालोगे ये दबता जाएगा, लेकिन ये खींचा जाएगा, टाइट होगा, अंदर नहीं जा सकेगा। तो ये विशेषता आत्म प्रदेशों की अखंडता के अंदर है। अब वेदन संवेदन या वेदना पीड़ा कहाँ हो रही है, इधर देखिए। अगर डॉक्टर यहां से कोई सुई डालता है, इंजेक्शन कर रहा है, इंजेक्ट कर रहा है, हालांकि कोई अंदर जाती तो नहीं है, आत्म प्रदेश तो अखंड है। कोई सुई डालने से, कोई चाकू से, कोई तलवार से आत्मा का एक भी प्रदेश खंडित होकर के विभाजित होकर अलग नहीं होगा। मनीषा बहन जी बोलिए, क्यों नहीं होगा? नहीं, अच्छा आशा बहन बोलिए। चलिए साहब राहुल जी बोलो। हाँ राहुल जी जल्दी बोलिए ना, मैंने बोला तो फिर आप। चलिए, अनंत काल से एक भी प्रदेश घट नहीं सकता और एक भी प्रदेश बढ़ नहीं सकता। शब्द बोलना है अखंडता का, अखंड। अजी आत्मा है कैसी, आत्मा के असंख्य प्रदेशों की समूहात्मक रचना कैसी है? अखंड प्रदेश समूह आत्मक पिंड स्वरूप। खंडित तो होना ही नहीं है सर। तो अब ऐसी स्थिति में इधर देखिए, हमने बहुत 8-10 महीने पहले पदार्थ विज्ञान में सीखा था, ख्याल है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं कर सकता है, ख्याल है कि नहीं?
ये आत्मा का कौन सा गुण है? अव्याबाध चले, एक भी द्रव्य आकाश भी अव्याबाध है, धर्मास्ती काय भी अव्याबाध है, अधर्मास्ती काय भी अव्याबाध है, आत्मा भी अव्याबाध है, मात्र व्याबाध भाव किसका है? पुद्गल का है। अब अव्याबाध अपना होते हुए भी इस आत्मा के प्रदेशों में बाहर से एक जड़ पुद्गल पदार्थ सुई जो है अंदर डाल रहा है। अभी ये घटनाएं हो रही ना, गला काट रहा है, चाकू से काट रहा है, तलवार चला रहा है, धड़ से दो टुकड़े कर रहा है सर, तो क्या हो रहा है? शरीर को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, शरीर के आप 1000 टुकड़े कर लो, लेकिन अंदर जो चेतना आत्मा है साहब, अब उसको जो है अंग छेद, जिस अंग में जो आत्मा प्रदेश है और वहां तलवार चली और इसके दो टुकड़े कर रहे हैं ऐसा, तो वहां से आत्मा प्रदेश खंडित तो नहीं होंगे, आत्मा प्रदेश के तो टुकड़े नहीं होंगे, विभाजन नहीं होगा, तो वो उस अंग में से आत्मा प्रदेश को वापिस संकुचित करके पूरे मूल में लाना, वहां वेदना पीड़ा हो रही है। यहाँ ये डॉक्टर ने अगर इंजेक्शन दिया और एक इंजेक्शन डाला तो यहाँ जो प्रदेश, ये प्रदेश, ये प्रदेश, ये प्रदेश, ये प्रदेश, मैंने अभी आपको बताया ना, ये फट तो नहीं रहा है, आत्म प्रदेश तो खंडित नहीं हो रहे, लेकिन ये डालने से जो है जिस तरह से आत्म प्रदेशों के अंदर जो एक प्रेशर आएगा सर, खिलाया प्रेशर आने पर या तो सिकुड़ेंगे, ऐसे टाइम में जो उसको बाधा हो रही है उसको कहते हैं वेदना। ये शरीर में नहीं हो रहा है, ध्यान रखिए, ये हमारी स्किन देखिए, ये हमारी स्किन के तो असंख्य छिद्र है, ये सबके शरीर में असंख्य छिद्र है, और इन असंख्य छिद्रों के अंदर आप 1000 सुई डाल दो अभी जाएगी, शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और बॉडी के अंदर जो अंदर इलास्टिसिटी है, इन बॉडी के अंदर जो कफांश जो है जिसके कारण इलास्टिसिटी बढ़ी है, आपने सुई डाली फिर निकाल ली, तो जो बॉडी के अंदर के इलास्टिसिटी का लेयर बन गया, तो सुई डालने के बाद बाहर निकालते समय कुछ भी थोड़ी सी देर में वेदना निकल जाएगी साहब, लेकिन एक बार सुई डालने से वो सुई इन आत्म प्रदेशों को भेदन करने जा रही है सर, और भेदन नहीं होता है। आत्म प्रदेश कैसे हैं? अछेद्य, अभेद्य, अदाह्य, अकाट्य, बोलिए चोंडिया जी, चार शब्द बोलेंगे कि लिखूं? हाँ, लिखने ज्यादा अच्छा रहेगा। अरे भाई साहब, बहुत इजी शब्द है, अ नेगेशन। हाँ चलो, ये मनीषा बहन बोल रहे हैं, सुन। हाँ, बोले। अभेद्य, अभेद्य, अछेद्य, अघाह्य, अखंड्य। आपने भी ऐसा ही कर दिया भाई साहब। हाँ जी विभा बहन जी, कैन यू स्पीक ऑन द फोर वर्ड्स? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, चलो बोलिए नीति बहन जी, आप बोलिए। अछेद्य, अभेद्य, अदेह्य, अकाट्य। अब पहले इन शब्दों को स्पष्ट करिए, ये है मैंने लिखा है अछेद्य, ये है अभेद्य, अकाट्य, अगाह्य। खाली शब्द लिख रखो, अब बाद में तो इसकी क्लास आएगी अलग से, क्या लगे नहीं। चलो, तो ये कौन है पहली बात? तो ये जो है एक सुई आपके आत्म प्रदेश में जाते ही वो जब उस अखंड प्रदेशों को वेदन करने की कोशिश करती है ना, उसको जाकर जो है वेदना अनुभव में हो रही है। जबकि ध्यान रखिए, आत्मा
अव्याबाध गुण वाली है। आ रहा है ध्यान में आपको, आत्मा कैसी है? अव्याबाध स्वरूप है, लेकिन इस समय कर्मों का लेयर है। तो ये जो कर्मों का लेयर है यहाँ पर, इस कर्म लेयर के अंदर ये जो सूची प्रवेश है, आपको ये जो दिखाई दे रही है सुई, अब ये सुई यहाँ पर आ रही है, तो ये है आपकी वेदना। आ रहा है ख्याल में? वेदना भी ज्ञानात्मक है, वेदना भी ज्ञानात्मक है। तो ज्ञान हो रहा है आपको, ख्याल है, अनुभव आपको आत्मा को हो रहा है, बस यही समझना है। हाँ बोलिए मैं। अच्छा नहीं हो रहा है सर जी, ये कहता हूँ कि जब सुई अंदर आत्म प्रदेश को टच नहीं करती, मगर कर्म को प्रदेश टच करती है, तो वो कर्म के जो, सुनिए सुनिए, आत्म प्रदेशों को ही टच करेगी भाई साहब। साथ में कर्म भी है ना, चिपके हुए कर्म तो ऊपर है, दूध के ऊपर मलाई जमी है, दूध के ऊपर मलाई का एक लेयर आ गया है। अब आपने थोड़ा सा दो चार शक्कर के दाने डालो, घी डालो, थोड़ा सा वो दूध की मलाई पर तैर जाएगा। अब आप चम्मच डाल रहे हो तो मलाई का लेयर कितना है और चम्मच का वजन कितना है। अब चम्मच सीधे मलाई को छेदन भेदन करके अंदर जाएगा, लेकिन घी डाल दो ना तो घी तो मलाई के ऊपर तैर जाएगा। दो चार दाने, दस बीस दाने शक्कर डाल दो तो मलाई के ऊपर तैर जाएंगे। मलाई के वजन से 10 गुना ज्यादा बनना अंदर जाएंगे। कर्म को संवेदन नहीं हो रहा है, आत्मा प्रदेशों को संवेदन हो रहा है। कर्म नहीं हो रहा है, आत्मा प्रदेशों को बोध रहा है। लेकिन वेदना होना, फिर पीड़ा होनी उसमें से, फिर दुख होना, फिर उसमें से रोना, ये सारा किसके कारण हो रहा है? ये मोहनीय कर्म साथ में जुड़ जाएगा, तो मोहनीय कर्म फिर उस समय आपको जो है ये थोड़ी वेदना पीड़ा ये आपको शुरू कर देगा। क्या लगे नहीं सर? ये समझे कि आत्मा का अव्ययबाद गुण जो है, हाँ, वो कर्म से लिप्त है, इसीलिए उसको वो अव्ययबाद गुण होते हुए भी वो कर्म के प्रदेशों को सिकुड़ना पड़ता है, क्योंकि वो कर्म से लिप्त है। इसके लिए अव्ययबाद स्वरूप जरूर है, अब कर्म ने व्यावाद पना लाया है कर्म के बीच में, इसलिए वेदना पीड़ा हो रही है। अभी आप मोक्ष में जाकर सिद्धों को सुई लगा के देख लो, कुछ नहीं होगा। अभी आप महाविधि में जाके सिमंदर स्वामी को सुई लगा के देखो, कुछ नहीं होगा, क्या होगा? तो ये जो अनुभूति, अरे देखो समझेगा नहीं महावीर स्वामी, चलो सिमंदर स्वामी की बात तो छोड़िए आप, महावीर स्वामी को जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ है और 12.5 बरस तक संगम ने, गोशाले ने, ग्वाले ने जितने उपसर्ग किए हैं, वो प्रत्येक उपसर्ग में क्या महावीर स्वामी को वेदना नहीं हुई क्या? ये कैसे ना कहा जा सकता है? महावीर स्वामी को वेदना 1000 गुनी हुई है, 1,00,000 गुनी हुई है। एक रात में संगम जब 20 उपसर्ग कर रहा है, वो वेदना कितनी भारी वेदना है, कितनी भारी वेदना है। नहीं हुई ऐसा मत बोलिए, नहीं 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 नहीं, वो तो भगवान थे ना, वो तो भगवान थे ना। लोग ऐसा बोल करके छोड़ देते हैं बात, भगवान होने से क्या हो गया? भगवान होने से क्या वेदना पीड़ा नहीं होती है? नहीं, पहले होगी। आत्मा के प्रदेश उनके भी है, और 4 घाती कर्म क्षय हुए हैं ना, अभी वेदनीय कर्म क्षय नहीं हुआ है सर। वेदनीय कर्म अघाती का है, वो अभी सत्ता में पड़ा है, और घाती कर्म क्षय महावीर स्वामी के तो 12.5 वर्षों के बाद हुए, और 12.5 वर्षों पहले जो महावीर ने जितनी वेदना पीड़ा सहन की है, उपसर्ग सहन किए हैं साहब,
वो वेदना, वो पीड़ा, वो वेदना कितनी ज्यादा थी, कितनी ज्यादा थी। आज हमको तो पैर में एक कांच लग जाए कि कांटा लग जाए तो भी हम सहन नहीं कर सकते। तो महावीर ने एक रात में संगम के भीष्म उपसर्ग कैसे सहन कर लिए? हाँ ये जरूर है साहब, द्रव्य स्वरूप का पदार्थ विज्ञान क्या कह रहा है, आत्मा के प्रदेश खंडित नहीं होंगे, आत्मा के प्रदेशों में विभाजन नहीं होगा, अविभाज्य है, अखंड है। लेकिन अखंड होते हुए भी कोई बाहर से आकर के उसको खंडित करने की कोशिश करे तब उसको पहले वेदन होगा, फिर वेदना होगी। वेदन के अंदर ज्ञान है और वेदना के अंदर। हाँ जी साहब जल्दी बोलिए साहब, जिनको बोलना है पूछना है प्रश्न। हाँ चौरड़िया जी बोलिए। हाँ महाराज साहब, आपने जो भगवान महावीर स्वामी को जो एक रात में जो संगम देव ने 20 उपसर्ग दिए थे, मैंने महाराज साहब साधु के मुंह में सुना है कि भगवान को, भगवान सामान्य आदमी तो उस वेदना से मर जाता, पर भगवान तो उनका शरीर की संगठन ऐसा होता है कि उनको वो वेदना सहन करने में ज्यादा वो नहीं होती है। तो इस बात का आप समाधान करें। ऐसा कहां से सीख कर आया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने मैंने महाराज हमारे किसने सिखाया आपको, ऐसा कैसे सीख लिया? हाँ यही तो बात का मैं समाधान चाहता हूँ माना। बोले उनको वो पीड़ा उनके लिए सामान्य थी। वज्र ऋषभ नारायण संगयन सुनिए बोलिए। अच्छा चलिए बोलिए साहब। हाँ जी चोरड़िया जी ध्यान में रखिए कि महावीर स्वामी की शरीर रचना में नाम कर्म की प्रकृति सिर्फ वज्र ऋषभ नारा संगण है, लेकिन इतनी वेदना को सहन करने की मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तुति भद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम चतारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साभ मंगलम केवली पन्नतोतम मंगलम चतारी लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साभ लोकोत्तम केवली पन्नतोतम लोकोत्तम चतारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमंगल मंगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयति शासनं धर्मलाभ